आज हम बनाएंगे बहुत ही चटाकेदार खट्टी चटपटी टमाटर की चटनी। इसे बनाना बहुत आसान है और इसे बनाकर आप एक महीने तक किस तरह स्टोर कर सकते हैं ये भी बताऊंगी। तो देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है 5 मीडियम साइज के टमाटर, 3 लाल मिर्च, ये हरी मिर्च है जो लाल हुई है। अगर आपके पास ये ना हो तो आप सूखी लाल मिर्च भी ले सकते हो। 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 18 से 20 लहसुन की कलियां, 1 चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच तीखी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच जीरा, आधा छोटा चम्मच राई, अगर आपके पास पीली राई हो तो आप वो भी ले सकते हो, 2 पिंच हींग, आधा चम्मच गरम मसाला, थोड़ा कोथिंबीर और 3 बड़े चम्मच तेल। तो चलिए टमाटर की चटपटी चटनी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले टमाटर को काट लेते हैं। टमाटर का ये हिस्सा निकाल लें और टमाटर को इस तरह रफली चॉप करना है। टमाटर को बारीक बारीक ना करें, हमें इसे भूनकर ग्राइंड करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने टमाटर को किस तरह रफली चॉप किया है। अब अदरक को भी छिलका निकाल कर छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। मैंने इसका छिलका पहले ही निकाल लिया था। एक छोटा बाउल लेंगे, उसमें धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और नमक डालकर उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा पेस्ट बना लेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ। गैस चालू करके उस पर एक पैन रख देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उसमें आधा बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल थोड़ा गर्म होते ही लहसुन, मिर्च और अदरक भी डाल देंगे। अब उसमें टमाटर डाल देंगे। गैस की फ्लेम को मीडियम टू हाई ही रखें और इसे कवर करके टमाटर गलने तक पकाएंगे और 2-2 मिनट में चलाते रहेंगे। अगर आपको सफ़र में जाना हो तो आप इसे बनाकर ले जा सकते हो। ये 3 दिन तक खराब नहीं होगी। इस चटनी को आप पराठे के साथ, इडली डोसे के साथ या दाल चावल इन किसी के साथ भी खा सकते हो। ये बहुत मज़े की लगती है। ये देखिए अब टमाटर अच्छे से नरम हो चुके हैं और कितनी आसानी से मैश भी हो रहे हैं। मैंने सारे टमाटर को मैश कर दिया है। अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब टमाटर का मिक्सर ठंडा हो जाए तो उसे मिक्सी में डालकर अच्छे से फाइन पेस्ट कर लेंगे। इसमें हमें पानी नहीं डालना है, बिना पानी डाले ही पीसना है। अब गैस चालू करके उस पर एक पैन रख देंगे। मैं उसी पैन में बना रही हूँ, आप चाहो तो दूसरा पैन भी यूज कर सकते हो। अब पैन में 3 बड़ा चम्मच तेल डाल देंगे। तेल हल्का गर्म हो जाए तो उसमें राई, जीरा, हींग डाल देंगे। राई अच्छे से तड़कने लगी है। राई तड़कने लगे तो जो हमने मसाले का गाढ़ा पेस्ट बनाया है उसे डाल देंगे और उसी कटोरी में थोड़ा सा पानी डालकर बचे हुए मसाले को भी पानी के साथ मिक्स करके पैन में डाल देंगे। इसीलिए मैंने मसालों का पेस्ट बनाते वक्त ज़्यादा पानी नहीं डाला था। पानी ज़्यादा हो जाए तो हमें मसालों को भूनने में ज़्यादा वक्त लगेगा। कई लोग इसे राई के तेल में बनाना पसंद करते हैं। आप भी चाहो तो इसे राई के तेल में बना सकते हो। मेरे पास राई का तेल नहीं था, इसीलिए मैंने राई का तेल का इस्तेमाल नहीं किया। आप जो भी कुकिंग ऑयल यूज़ करते हो वो ले सकते हो। ये देखिए मैंने 1-1.5 मिनट तक इन मसालों को भून लिया है। इसका कलर भी कितना अच्छा हो चुका है। देखिए मैंने टमाटर को कितना बारीक पीस कर लिया है। अब इसे भी पैन में डाल देंगे, साथ ही में आधा चम्मच गरम मसाला डालकर इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स हो चुका है। अब इसे कवर कर देंगे और गैस की फ्लेम को स्लो रखेंगे। इसे कवर करके ही पकाए, इसके छींटे बहुत उड़ते हैं। बीच बीच में इसे चलाते भी रहेंगे ताकि मसाला नीचे लगे ना। इस चटनी को अगर आप बना के रखते हो तो ये चटनी बहुत सारी डिश को बनाने में यूज की जाती है। आप किसी भी सब्जी में ये 2 चम्मच चटनी डाल देते हो तो आपको और मसाले डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। या फिर आप दाल बनाना चाहते हो तो दाल को उबाल कर इस चटनी के 2 चम्मच से बघार दे दें तो आपकी दाल भी रेडी हो जाएगी और आपका काफी वक्त भी बचेगा। ये देखिए हमारी चटनी कितनी अच्छी तरह दिख रही है और तेल भी सेपरेट हो चुका है। इसका मतलब मसाले भी अच्छी तरह पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी कोथमीर डालेंगे और अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अगर आप इस चटनी को 3 दिन में फिनिश करोगे तो ही इसमें कोथमीर डालें, वरना ना डालें। वैसे तो ये चटनी फ्रिज में 7 दिनों तक अच्छी रहेगी। अगर आप इसे 1 महीने तक स्टोर करना चाहते हो तो
इसमें एक बड़ा चम्मच विनेगर डालकर अच्छी तरह मिक्स कर लें और एक कांच की बर्नी में डालकर फ्रिज में रख दें। ये चटनी पूरे एक महीने तक खराब नहीं होगी। चटनी कितनी गाढ़ी हो चुकी है, अब गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। इसे ज्यादा गाढ़ा ना करें, ये ठंडी होने के बाद और भी गाढ़ी हो जाएगी। अब इसे सर्विंग बाउल में निकाल कर सर्व कर देंगे। आप भी इसे बनाकर जरूर ट्राई करें, फैमिली के साथ एंजॉय करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं जरीन। आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना और अपने फैमिली का ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम।